So good morning students, let's continue the chapter 13.6 exercise we were discussing, and we have discussed six questions of 13.6, right? Now we have to start the seventh question, exercise 13.6. seventh question. Now everyone be quiet. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder. Compare कर रहे हो दिव्या? अच्छा, बाद में देखना, अभी सम देखो, ठीक है? इसको छोड़ दो, अभी जो करने लगे हैं उस पे फोकस करो. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. देखिए, पेंसिल इमेजिन करो, पेंसिल के बीच में जो सिक्का है वो ग्रेफाइट है, ठीक है? हमें क्या गिवन है, जो वुडन पेंसिल है उसका डायमीटर गिवन है, जो ग्रेफाइट है, जो सिक्का है उसका डायमीटर गिवन है. हाइट इज सेम फॉर बोथ, ठीक है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट. जो बेटा दिस इज अ पेंसिल, इसके बीच में ये जो ग्रेफाइट है इसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, दिस इज सिलेंड्रिकल पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट इज पाई आर स्क्वायर एच. इसमें रेडियस यूज करेंगे, रेडियस यूज करेंगे हम ग्रेफाइट वाला, और हाइट. अब हमने निकालनी है ये वुड, ये सारी क्या है, यस वुड. हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, पेंसिल पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ पेंसिल मींस जो पूरा रेडियस है, कट्ठा लगाना ही नहीं, अलग अलग निकालना है, अलग अलग निकालना है. उन्होंने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. अरे दो दिए होंगे, वुड का वॉल्यूम दो दिए ना, ठीक है, समझ आ गई? वुड का जो वुडन पेंसिल में जो वुड है उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, पेंसिल का वॉल्यूम माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम, जो अंदर वाला सिक्के के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे वो वुड का वॉल्यूम रह जाएगा. क्वेश्चन समझ आ गई? चलिए लिखिए, इसमें हमारे पास है डायामीटर ऑफ पेंसिल 7 मिलीमीटर, सो रेडियस ऑफ पेंसिल इज 7/2 मिलीमीटर. हाँ जी, ये पेंसिल का है, पूरी पेंसिल का. अभी आगे है डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट. बच्चे आई डोंट लाइक यू पीपल व्हेन टॉकिंग व्हेन आई एम टीचिंग, प्लीज. देन रेडियस ऑफ ग्रेफाइट इज 1/2 मिलीमीटर. इसके बाद बेटा हमें वी हैव बीन गिवन द लेंथ ऑफ द पेंसिल, दैट इज हाइट ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर. हु विल टेल मी द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर? वेयर इज द डस्टर? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10, सो इट इज इक्वल टू 140 मिलीमीटर. प्लीज गिव मी द डस्टर, प्लीज अरेंज, देखो कबर्ड में होगा. ये फर्स्ट पीरियड में ना बाहर होना चाहिए, ठीक है? जो भी कौन है देखेगा.
श्वेता मैम तो फिर अंदर रख देते हैं ना, कौन दीदी आप देखो, ठीक है आप देखिए यहां करती हूँ। पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। इधर देखिए बेटा, दिस इज पेंसिल का डायमीटर ज्यादा है, बाहर वाला है, तो इसको हम लेंगे ये कैपिटल डी, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल डी, ये स्मॉल आर, हाइट इज सेम फॉर बोथ, इधर यू कैन टेक कैपिटल एच और स्मॉल एच, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको अलग से दिया उन्होंने, 3.14 लेना है, रेडियस इज 1/2, हाइट इज 140, 20, 210, 25, 110 मिलीमीटर क्यूब। आपने बेटा टेस्ट में यूनिट्स में स्क्वायर क्यूब में गड़बड़ की है, मैंने नंबर नहीं काटे, ठीक है। कैलकुलेशन में भी थोड़ा इधर उधर था, उसके भी मैंने कहीं कहीं बिल्कुल जहां पॉइंट्स का तो इग्नोर कर दिया, ठीक है, बट थोड़ा ध्यान से करना अगली बार क्योंकि टाइम कम था। पेपर में इग्नोर नहीं होगा बेटा, टाइम कम था ना अभी, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। पेपर में क्यों इग्नोर होगा, हाफ मार्क्स ही कटना था, नहीं काटा, काट लेती हूँ, ठीक है। 110 मिलीमीटर क्यूब। नाउ चीज मैम, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आए कैपिटल आर स्क्वायर एच, रेडियस 7/2, करो फाइंड। वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। आई होप इट द सम इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। इसका देखियो ये कितना है, 110 इंटू 49, 5090 मिलीमीटर क्यूब। ये देखिए, सो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज 5390 एंड ग्रेफाइट इज 110, सो प्लीज चेक इज द आंसर करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द वुड इन पेंसिल इज 5280 मिलीमीटर। तो फिर ये नहीं होगा, कुछ और होगा नंबर्स, पॉइंट्स में होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना बेटे, है ना, हमने मिलीमीटर क्यूब में निकाला है। सेंटीमीटर में करना पड़ता तो आपको दो जगह यूनिट पॉइंट्स में क्यों करना है, बेटर है कि हमने पॉइंट हटा दिया, इसको पॉइंट्स में लेना पड़ता आपको। कहीं कहीं लिखा हुआ है फाइंड इन सेंटीमीटर क्यूब, फिर आपकी अपनी मर्जी है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कर देती हूँ फटाफट सारा करते हो, वरना बार बार लेनी पड़ेगी, उनकी कर दूँ 6, 7, 8 वालों की। नेक्स्ट, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन डेली सूप इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। If the bowl is filled with the soup to a height of 4 cm, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? Ab jo jisme wo soup dete hain, that bowl is of what shape? Cylindrical. Cylindrical bowl hai. Usme beta diameter given hai aur height given hai. Iska matlab aapne kya nikalna hai? How much soup ki usme ek bowl mein kitna soup aata hai? Uska volume?
रेडियस निकाल लोगे डायमीटर से, हाइट गिवन है. सो वॉल्यूम ऑफ वन कंटेनर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ 250, टोटल 250 पेशेंट्स है तो 250 सिलिंड्रिकल बॉल्स लगे. सो हाउ मच सूप रिक्वायर्ड, सीधा लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इज पाई आर स्क्वायर एच, जितना निकलेगा उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ 250 बॉल्स. वेरी इजी राइट. So this you are going to do yourself. Now come to the next exercise. Next exercise is about the cone. So beta, we have done about the area of the cone, the curved surface area of cone and the total surface area of the cone. Curved surface area of the cone is pi r l, where l is the slant height, and total surface area is pi r bracket l plus r. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला करवा दिया था. वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 हाइट 7. खुद कर लोगे ठीक है, एक ही पार्ट कर लो. रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, वैल्यूज फिल करोगे, यू विल गेट द वॉल्यूम. राइट सर्कुलर कोन और कोन एक ही बात है. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल. रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. एक मिनट रुक जाओ. देखो बेटा, अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो. वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. व्हाट इज एच हियर? दिस इज ये वाली हाइट. पहले मेरी पूरी बात सुनो. जब हम एरिया निकालते थे, L is for slant height, H is for simple height of ये, जो ये वाली height है. समझ आ गई? जैसे area वाले question में क्या होता था, H given होता था. H given है तो हमने कहा L निकालना है. ठीक है. Volume के question में क्या है, अगर तो H given है then the question is very simple. Like the question number one, radius given है, H given है, आपने सीधा volume निकाल लिया. But जहां पर L given है वहां आपको if you have to find the volume of the cone, you have to find h. You have to find h. इस बात का ध्यान रखना है. बड़ी बार बोला फिर भी टेस्ट में कहीं उन्हें सीधा l की जगह पे h, वही h लिया. चलो. So we have to find the volume. Volume liters में निकालना है, वो बात की बात है. पहले volume निकालना है. Volume. We know volume of cone is 1/3 pi r square h. तो पहले हमें h चाहिए. कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है l square is equal to r square plus h. जैसे एरिया में हमें l ही चाहिए होता होता है ना, तो हम ये याद रखते हैं. जब हमें h फाइंड करना है तो गलती से h square is equal to r square plus l square नहीं कर देना. These are the वो भी बेटा, बट एक ही याद रखो ना, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग l square is equal to r square plus h square. फिर बाद में जो देख लो, जैसे मर्जी लर्न कर सकते हो माइनस वाले से भी, बट गलत नहीं होना चाहिए. 25 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 625 माइनस 49 576 एंड इट इज द स्क्वायर ऑफ 20. हाइट बेटा हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर. नाउ volume of cone is 1/3 pi r square h. 1/3 pi की वैल्यू कुछ नहीं गिवन, रेडियस हमारा है 7 इंटू 7, हाइट है जी 24. 7 के साथ 7, 3 7 3 8 जर 24, 22 56
1232 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर्स. तो हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. ये याद रखना है. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. और यू कैन से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर. इन दिस वे ऑल्सो यू कैन लर्न. लर्न होना चाहिए रिलेशन जैसे 1000 लीटर. ठीक है. तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में करना है. डिवाइडेड बाय 1000 इट इज 1.232 लीटर्स. इज इट क्लियर? हरी अब नोट डाउन. Kindly side by side complete your notebooks and I hope you all are doing the questions in fear only. So 13.7 we are doing. हाँ जी. Volume of cone 1/3 pi r square h. 1/3. 4/3 तो होता है volume of sphere. Volume of sphere is 4/3 pi r cube. Volume of गलत लिखा हुआ बेटे फिर आपने ठीक करो. लाओ मेरे पास. स्फीयर का वॉल्यूम कोण का गलत लिखा हुआ है ना. हेमिस्फीयर का तूने उल्टा पुल्टा लिखा है. Next question. The height of the cone is 15. Volume is 1570 centimeter cube. कर लेना खुदी. Find the radius of the base. Now third question. See very simple question. What is given? Volume is also given. Height कितनी है? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना गिवन है? 1570 सेंटीमीटर. वी नो इट इज 1/3 pi r square h. 1/3 × 3.14 एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14. आर स्क्वेयर इंटू 15 10. इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करने की क्या जरूरत है? हाँ कौन है ये बच्चा लिखता है जो कि मैम लिखते हैं? बात खत्म. कोई बात नहीं शॉर्ट में लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस. See again, this is very simple.
Again, we have been given the volume and height is 9 cm. Look here. Height 9 cm. Volume of cone कितना बेटे? 48 pi. अब pi की वैल्यू यहाँ नहीं फिल करनी हमें, जरूरत नहीं है. हमें क्या निकालना है? डायमीटर. जैसे ये सेम क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या निकाला? रेडियस. वॉल्यूम गिवन था कोन का, हाइट गिवन था, हमने रेडियस निकाल लिया. इसी तरह से इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, हमने क्या निकालना है? डायमीटर. रेडियस निकलेगा तो डायमीटर भी निकल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²h इज इक्वल टू 48 pi. ये पाई पाई यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, पाई नीचे आके डिवाइड होगा, चाहे वैसे शो कर लो चाहे सीधा काट लो. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 1/3 r²h इज इक्वल टू 48. आर की वैल्यू क्या आएगी? इफ आर स्क्वायर इज 16, देन आर इज प्लस माइनस 4. माइनस साइन को रिजेक्ट करोगे आप, ठीक है, बिकॉज द रेडियस कैन नॉट बी इन नेगेटिव. प्लस माइनस नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे. मैं दोबारा करती हूँ. यहाँ पर आर स्क्वायर आया बेटे 16, रिजेक्टिंग आर माइनस 4. Therefore, what is the value of R and diameter? ये plus minus करना है. Plus minus करके सीधा R4 ले लो. ये step ना लिखो जाए. वैसे तो इस question में सीधा 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है radius cannot be negative. But you mentioned because sometimes any other teacher if it is checking तो कहेंगे हमने ये इसके नंबर काटने हैं कि बच्चे ने इंडेक्स नंबर मतलब ये इंटीग्रल फॉर्म नहीं लिखी. इंटीग्रल फॉर्म का मतलब होता है प्लस माइनस. आर इज इक्वल टू माइनस 4. आर की दो वैल्यूज आई ना दित्या. अगर कोन है, कोन का कोई रेडियस है, वो माइनस में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए माइनस वाली वैल्यू को रिजेक्ट करके आर की वैल्यू क्या ली है? 4, प्लस 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस क्वेश्चन नंबर 5. अ कॉनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप. व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स. कॉनिकल पिट मतलब कॉनिकल खड्डा, उसमें कैपेसिटी उसकी निकालनी है. इसका मतलब इसका क्या निकालना है? डायमीटर गिवन है, रेडियस निकल जाएगा, हाइट. अब वॉल्यूम जो आएगा वो हमारा किस में आएगा? मीटर क्यूब में. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू इन किलोलीटर्स. तो ये आप नोट कर लो, 1 m³ इज इक्वल टू 1 kL. कैसे? 1 m³, अभी मैंने लिखा था इट इज इक्वल टू 1000 L, और 1000 L क्या होता है? 1 kL. मतलब जो भी आंसर आएगा, वो भी आपका आंसर आएगा. सपोज आ गया x m³, बस m³ की जगह पे क्या लिख देना? किलोलीटर. कुछ किसी से डिवाइड नहीं, किसी से मल्टीप्लाई नहीं. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू योरसेल्फ. सिर्फ वॉल्यूम ही निकालना है सीधा, कुछ चेंजेस नहीं है. सिर्फ मीटर क्यूब की जगह में फिर एंड में मीटर क्यूब लिखने के बाद एंड में किलोलीटर लिख देना. एम आई क्लियर? श्योर? कर सकते हो बेटा. क्या होता है, हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है, अब आप 9th में हो, आर स्क्वायर 16, ठीक है. अगर आप 8th, वैसे तो 8th में भी हम मना करते हैं, ठीक है, अगर फिर भी 8th में आप लिख देते 4 तो हम चला लेते कि चलो छोटी क्लास है. जब हम 9th में हो जाते हो, 10th में हो जाते हो, इसका मतलब क्या होता है? जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इसका मतलब इधर प्लस माइनस लगता है, तो आपको वो शो करना है, ठीक है.
इतना शो करके फिर चाहे ये वर्ड ना लिखो, प्लस माइनस फोर करके सीधा ये लिखो, ठीक है? अरे वही बोल रही हूँ, नहीं लिख सकते ये प्लस माइनस करके, रिजेक्टिंग वाला वर्ड नहीं लिखना, सीधा फिर आर खोलो। ठीक है, सो कंप्लीट योर नोटबुक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुमारो, थ्री पार्ट्स हैं अभी, हूँ करना ट्राई, वैसे बहुत इजी है, चलो वी विल डू। नोटबुक्स बेटा डे आफ्टर टुमारो सैटरडे, सैटरडे को खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, सो ऑन मंडे आई विल कलेक्ट, एंड एवरीवन शुड कंप्लीट देयर नोटबुक बाय मंडे। इसके पहले हमने यही चैप्टर शुरू किया ना, अभी बस ये कंप्लीट कर लेना प्रॉपरली, प्रॉपरली विद इंडेक्स, विद फॉर्मूला पेज। बेटा देखना पड़ेगा, मुझे दोबारा मत करना, दोबारा मत करना, तूने मुझे बनाया कंपार्टमेंट हो, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम अगेन एंड अगेन इन री राइटिंग द थिंग्स, ठीक है ना? आपने अच्छे से लिखा ना उसमें, मुझे आप दिखा देना क्लास में, आई विल चेक, मुझे क्लास में दिखा देना, आई विल चेक इन द क्लास सम एनी डे, बट डोंट री राइट अननेसेसरी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू टुमारो बेटा, टेक केयर।